गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन पे थे उसका हम देख लेते हैं ग्रुप इक्विलिब्रियम राइट सो डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप इक्विलिब्रियम देख लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन में जो होता है हमारे पास मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन में हमारे पास इंडस्ट्री नहीं होती है कि ऐसा नहीं है कि ऐसी फर्म्स है जो होमोजीनियस प्रोडक्ट बना रही है हमारे पास क्या होता है ग्रुप ऑफ फर्म्स ठीक है तो इसको जो कहा जाता है ग्रुप ऑफ फर्म्स कहा जाता है तो टू इसम्पन्स पे हम बात करते हैं डिमांड एंड कॉस्ट ऑफ ऑल फर्म्स ऑफ ए ग्रुप आर द सेम डिमांड और कॉस्ट जो है वो दोनों की एक जैसी रहेगी सभी फर्म्स की एक जैसी रहेगी नंबर ऑफ फर्म्स इन द ग्रुप इज सो लार्ज दैट नो इंडिविजुअल फर्म बाय इट्स ओन डिसीजन कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस एंड आउटपुट ऑफ अदर फर्म्स कि सारी फर्म्स जो हैं वो अपने आप में एक पावरफुल फर्म है कोई एक पर्टिकुलर फर्म बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं है कि वो अकेली ही सारे डिसीजन ले ले अकेली ही सारी मार्केट को इन्फ्लुएंस कर दे राइट right? तो इसको हम ग्रुप इक्ुलिब्रियम को जो है डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं तो एक्स एक्सेस पे हमने आउटपुट लिया है वो वाई एक्सेस पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट लिया है तो दिस इज़ माई डिमांड कर्व तो ये मेरे पास है एक डिमांड कर्व ठीक है पहले राइट एंड दिस इज अ कॉस्ट कर्व अब इस डिमांड कर्फ और कॉस्ट कर्फ पे अगर हम देखें तो ये पी ओ पी प्राइस लिया है और ओ एम जो है आउटपुट लिया है राइट right. तो ये एक ऐसा है जहाँ पे एक फर्म जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को कमा रही है ठीक है तो अगर एक फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रही है तो बाकी फर्म्स भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी अट्रैक्ट होकर क्या होएगा और फर्म्स मार्केट में आ जाएंगी तो जैसे ही और फर्म्स मार्केट में आएंगी तो सभी फर्म्स में जो है डिमांड डिवाइड हो जाएगी तो फिर हमारे पास डिमांड करफ कुछ इस तरीके का बन जाएगा दैट इज़ टेंजेंट टू दॉस्ट कर्व ठीक है तो ओ बी प्राइस हो गया एंड ओ एम वन जो है क्वांटिटी हो गई तो यहाँ पे ये वाला जो है ये इक्ुलेब्रियम बन गया है तो दैट इज़ ग्रुप इक्ुलिब्रियम जिसे हम कहते हैं कि अगर एक ही फर्म है तो हमारे पास रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट कम है लेकिन अगर बहुत सारी फर्म्स आ गई हैं तो डिमांड हमारे पास कम हो गया है सारे uh, फर्म्स के साथ और ग्रुपिक क्योलिब्रियम कुछ यहाँ पे आ गया है राइट सो दिस इज नोन एज ग्रुपिक क्यूलिब्रियम जो कि मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन में होता है अब हमारे पास आ गया एक्सेस कैपेसिटी तो एक्सेस कैपेसिटी क्या होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं एक्सेस कैपेसिटी इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिमम आउटपुट एंड द एक्चुअल आउटपुट इन द लॉन्ग रन इक्ुलिब्रियम ठीक है कि ऑप्टिमम होता है कि कितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं एक्चुअल होता जो है ठीक है तो ऑप्टिमम आउटपुट ऑफ अ फर्म हैज़ बिन रिकॉर्डेड टू बी द आउटपुट वेयर एल यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कर्व इज मिनिमम ठीक है तो यहाँ पे ये चीज़ कही गई है कि एक्सेस कैपेसिटी क्या है कि लॉन्ग रन में अगर एल मिनिमम है तो हमारा कॉस्ट या आउटपुट वहाँ तक जाना चाहिए लेकिन अगर उससे पहले ही हमारे पास आउटपुट जनरेट हो रहा है तो वो हमारे पास ऑप्टिमम नहीं है एक्सेस कैपेसिटी है लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम वही वो एक्स एक्सेस पे आउटपुट ले रहे हैं और वही एक्सेस पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट ले रहे हैं सो दिस इज एआर एंड दिस इज एमआर। ठीक है तो हमारे पास एम बन गया ये बन गया इक्वलिब्रियम तो यहाँ पे जो है दिस इज इक्प्रियम प्राइस एंड दिस इज इक्प्रियम क्वान्टिटी ठीक है तो लॉन्ग रन में हमारे पास जो अगर हम देखें तो लॉन्ग रन में जो होता है हमारे पास दिस इज एल ए सी यू कैन सी ठीक है तो लॉन्ग uh, रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलते हैं हमें इनकेस ऑफ मोनोप्लिस्टिक कॉम्पिटिशन राइट तो यहाँ पर मेरे पास ओ पी प्राइज़ इक्म आ गया क्वान्टिट्टी आ गया लेकिन अगर मैं एक्सेस कैपेसिटी के हिसाब से देखूँ तो मेरे पास जो मिनिमम एल ए सी है वो ये है दिस इज़ द मिनिम ठीक है इसके बाद बढ़ना स्टार्ट कर गई है दिस इज़ द मिनिम जहाँ से एम सी बी कट कर होता हुआ जा रहा है ठीक तो है तो ये मिनिमम है तो ये आउटपुट इतना बनना चाहिए मिनिमम पॉइंट पे आउटपुट बनना चाहिए तो ये Q और Q1 जो है वो एक्सेस कैपेसिटी है कि ये ऐसी कैपेसिटी है इन द इकोनॉमी जो हमारे पास बनना चाहिए लेकिन नहीं बन रहा है उसको हम एक्सेस कैपेसिटी कहते हैं जहाँ पे एल ए सी इज़ मिनिमम इसके बाद बढ़ रहा है तो एल क्या है ये मिनिमम जहाँ पे है जहाँ पे एम कट करके जा रहा है कि क्वांटिटी जो है इतनी बननी चाहिए प्राइजेस जो है उस अकॉर्डिंगली कम होने चाहिए ओ पी वन होनी चाहिए लेकिन नहीं है क्यों क्योंकि देयर इज एक्सेस कैपेसिटी राइट बट हम जो है अब कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि एक्सेस कैपेसिटी हार्मफुल है कुछ कहते हैं नहीं हार्मफुल रीज़न क्या है उसके पीछे का तो कुछ कहते हैं कि अगर बहुत सारे फर्म्स आ जाएंगी तो रिसोर्स सारे जो हैं कंज्यूम हो जाएंगे कुछ कहते हैं नहीं इससे कॉस्ट कम होएगी वैरायटी मिलेगी प्राइजिज कम हएंगे कंज्यूमर्स को बेनिफिट होगा तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो जितने भी हैं हमारे पास इकोनॉमिस्ट उनका डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है राइट सो दिस इज़ द एक्सेस कैपेसिटी अब बात कर लेते हैं सेलिंग कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट जो होती है होती है कि देखिए परफेक्ट कंपटीशन में भी हमने सेलिंग कॉस्ट की बात नहीं की और ना ही हमने मनोपली में की जो परफेक्ट कंपटीशन है वहाँ पे तो होमोजीनियस प्रोडक्ट है एक ही जैसा प्रोडक्ट है और बिल्कुल फुल नॉलेज है कंज्यूमर के पास तो हमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है दूसरी तरफ जो हमारे पास मनोपली है वहाँ पे एक प्रोडक्ट है जिसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट ही नहीं है एक ही सेलर है तो वहाँ पे भी सेलिंग कॉस्ट की ज़रूरत नहीं है लेकिन यहाँ पे जब मोनोपलिस्टिक कंपटीशन है सो मेनी बायर्स सो मेनी सेलर्स क्लोज सब्सटीट्यूट बना रहे हैं वहाँ पे जो है सेलिंग कॉस्ट या एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है तो सेलिंग कॉस्ट में हर एक वो तरीके की कॉस्ट आ जाती है जिसमें एडवर्टाइजमेंट आ जाती है इसमें दो एग्जाम्शन है हमारे पास बायर्स टेस्ट और डिमांड कैन बी चेंज मैं एडवर्टाइजमेंट तो करूँगी अगर बायर का टेस्ट या डिमांड चेंज किया जा सकता है बायर डू नॉट हैव फुल नॉलेज बायर को फुल नॉलेज नहीं है इन ऑर्डर टू गेट फुल नॉलेज हम सेलिंग कॉस्ट जो है यूज़ करते हैं नाउ डिफरेंस बिटवीन सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है कि कमोडिटी को बनाने की जो कॉस्ट है उसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं लेकिन अट्रैक्ट करने की जो कॉस्ट है उसको हम सेलिंग कॉस्ट कहते हैं प्रोडक्शन में सारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रॉ मटेरियल एवरीथिंग लेकिन एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट को हम सेलिंग कॉस्ट कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट से सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है एंड सेलिंग कॉस्ट से डिमांड को पुश किया जा सकता है अब देखते हैं कि किस तरीके की होती है तो इट्स सिंपली यू शेप्ड ठीक है तो दिस इज आउटपुट एंड दिस इज कॉस्ट यू शेप्ड कैसे है कि पहले कम हो रही है फिर मिनिमम है और फिर बढ़ना स्टार्ट कर गई है उसके बाद हम देखते हैं सेलिंग कॉस्ट एंड फर्म इक्ुलिप्रियम इसको भी हम जो है एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे ओ एक्स एक्सेस ओ वाई एक्सेस ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हम डिफरेंट डिफरेंट जो है कॉस्ट uh, की बनाएंगे जैसे मैंने अभी सेलिंग कॉस्ट जो है इतना यूज़ किया और एआर मेरा इतना था दिस इज़ ए आर वन एंड दिस इज सेलिंग कॉस्ट हम कह सकते हैं राइट right? तो ये है एवरेज कॉस्ट ठीक है ए सी पी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले हमने सपोज किया कि मेरे पास जो है ये है एंड दिस में भी आउटपुट एंड प्राइस और ये है आप कह सकते हो कि प्रॉफिट्स मिल रहे हैं नाओ कंपनी ने क्या किया थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ाया ए सी पी के साथ साथ क्या किया ए सी एस ठीक है एवरेज कॉस्ट ऑफ सेलिंग बढ़ा दिया कॉस्ट तो इससे क्या हुआ ए आर टू डिमांड भी बढ़ गया ठीक है डिमांड के बढ़ने से क्या हुआ यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ गए और ज़्यादा किया दो सूस में भी ठीक है इससे और ज़्यादा ए आई डिमांड बढ़ गया इससे क्या हो गया ले लीजिए ये और ज़्यादा प्रॉफिट्स बढ़ गए ठीक है जी तो ये क्या हुआ सिंपली पहले सिर्फ प्रोडक्शन पे लगा रहे थे अब धीरे धीरे क्या हो गया कॉस्टिंग बढ़ानी स्टार्ट की इन द फॉर्म ऑफ सेलिंग कॉस्ट तो यहाँ पे जैसे ये ए बी सी डी है इससे बढ़ के क्या हो गया ई एफ जी एच लगा लीजिए एंड देन आई जे के एल तो ये बढ़ता ही चला गया बिकॉज ऑफ चेंज इन द सेलिंग कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे डिमांड बढ़ी वैसे वैसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स जो हैं वो बढ़ते चले गए बिकॉज ऑफ दैट सेलिंग कॉस्ट राइट अब देख लेते हैं कंपैरिजन बिटवीन मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन नेचर ऑफ प्रोडक्ट मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन में हमारे पास हैं सब्स्टिट्यूट्स हैं और परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स परफेक्ट एंड मोनोप्लिस्टिक में दोनों ही में नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ज़्यादा है डिग्री ऑफ नॉलेज परफेक्ट कॉम्पिटिशन में परफेक्ट नॉलेज है लेकिन मोनोप्लिस्टिक कॉम्पिटिशन में ऐसा नहीं है परफेक्ट नॉलेज नहीं है नेचर ऑफ डिमांड कर्व तो मैं दोनों की कर्व्स आपको बना के दिखा रही हूँ तो ठीक है ये मेरे पास है ए इज इक्वल टू एम आर नाउ आई नो आपको पता है क्या है दिस is परफेक्ट competition एंड दिस is monopolistic competition ठीक है वो एक्स एक्सेस पे वही हम आउटपुट यहाँ पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट ठीक है जी तो ये नेचर ऑफ डिमांड करवा गया इम्प्लीकेशन रिगार्डिंग डिसीजंस, तो एक मोनोपलिस्टिक कंपटीशन में सेलर जो है डिसीज़न ले सकता है लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकता वो सिर्फ प्राइस टेकर है प्राइस मेकर नहीं है इम्प्लीकेशन रिगार्डिंग कंडीशन ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट प्राइस आउटपुट प्रॉफिट ये हम चीज़ें देख लेते हैं अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसमें कुछ इस तरीके का हमारे पास रहता है दिस इज़ एम सी ए सी नॉर्मल प्रॉफिट्स लॉन्ग रन में मिलेंगे ठीक है और ये मिनिमम कॉस्ट होगा और प्राइस मेकर नहीं होगा प्राइस टेकर होगा इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, पर अगर यही मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन है तो हमारे पास ये रही एम सी ठीक है तो आप यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पे प्राइजेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे लेकिन जो लॉन्ग रन वाला है पहले यही रहेगा पर यहाँ पे देखिए अभी और कम हो सकता है देखिए अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ तक पहुँच सकता है लेकिन यहीं पे है ठीक है जी तो इसमें भी योर प्राइस ठीक है क्वांटिटी तो यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी होती है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो दिस इज़ द दीज आर द डिफरेंस ठीक है और शॉर्ट रन में दोनों के पास ही नॉर्मल प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉस होंगे लेकिन लॉन्ग रन में दोनों के पास जो है मोनोप्लिस्टिक कॉम्पिटिशन और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे राइट अब देख लेते हैं कंपेरिजन बिटवीन मोनोपलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड मोनोपली तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट मोनोपली में तो एक ही है मोनोप्लिस्टिक में एक दूसरे के बहुत ही बिल्कुल सब्सटीट्यूट हैं नंबर ऑफ बायर सेलर मोनोपली में एक सेलर सो मेनी बायर्स मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन में बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही ज़्यादा हैं एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स मोनोपली में नहीं कर सकते मोनोप्लिस्टिक कॉम्पिटिशन में येस yes, कर सकते हैं डिग्री ऑफ नॉलेज मोनोपली में एक ही प्रोडक्ट है तो पता ही होगा क्या है कैसा है लेकिन मोनोप्लिस्टिक कॉम्पिटिशन में कभी भी पूरी तरीके से नॉलेज नहीं होती है डिफरेंस इन द ए आर तो ये मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ ए आर एम आर का ऑल दोनों की ही ए आर एम आर कुछ इस तरीके से ही होती है राइट दिस इज ए आर एम आर एंड दिस इज ए आर एंड एम आर ठीक है फर्क क्या है दोनों की ए आर एम आर डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है लेकिन फर्क क्या है ये monopoly की है और ये मोनोपलिस्टिक कॉम्पिटिशन की है व्हाट इज़ द डिफ्रेंस डिफरेंस क्या है ये लेस इलास्टिक है या मोर इलास्टिक है ठीक क्यों है क्योंकि ये लेस इलास्टिक है यहाँ पे इतनी जल्दी डिमांड चेंज नहीं होएगी चाहे जितना मर्जी प्राइजेस क्यों ना चेंज हो लेकिन इधर प्राइजेस के चेंज होने से डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती है क्योंकि क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं तो इम्प्लीकेशन रिगार्डिंग डिसीजन मोनोपलिस्टिक कंपटीशन मोनोपली में दोनों में लिए जा सकते हैं लेकिन मोनोपली में ज़्यादा अच्छे से लिया जा सकता है मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन में कॉम्पिटिटर्स को कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा कंपैरिजन रिगार्डिंग प्रॉफिट मोनोपली में और मोनोपलिस्टिक कंपटीशन में शॉर्ट पीरियड में तो वही सब मिल जाता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड लॉस लेकिन इन लॉन्ग रन मोनोपली में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलते हैं लेकिन मोनोप्लिस्टिक कॉम्पिटिशन में नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलते हैं राइट सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर दैट्स ऑल अबाउट द मोनोप्लिस्टिक कॉम्पिटिशन थैंक यू वेरी मच